आया है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में कार्रवाई की जा रही है। यदि कोई भी किसी भी प्रकार की विसंगति वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। कोई भी अधिकारी हो कि कोई भी नाम हो, यदि कोई भी वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित खिलाफ लिखित में रिपोर्ट शासन को भेजकर कार्रवाई कर। क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनता ने और ग्राम प्रधानों ने रेडियो अनिल राणा की शिकायत की थी। प्रशासक के दौरान उनके द्वारा बहुत पैसा निकाल लिया गया था। उनकी सारी ग्राम पंचायतों से, उनके पास 6 ग्राम पंचायतें थी, 6 ग्राम पंचायतों में उन्होंने 19,78,000 रुपये बिना MB के, बिना किसी काम कराए पैसा निकाल लिया। खातों से खाते पूरे खाली कर दिए थे। और एक पंचायत भवन अहमदपुर टटोली में बना था, जिसको इन्होंने पूरा भ्रष्टाचार करके मानक विहीन बनाया। नींव ही नहीं बनाई, ऐसे ही खड़ा कर दिया। पूरा दरक गया, दीवारें दरक गई, स्लेब फट गई, उसकी बीमें टूट गई। उस पर जांच हुई, समिति ने रिपोर्ट सौंपी। 11,66,200 रुपये का पंचायत भवन में रिकवरी के लिए उसने BDO साहब ने बोला, और 19,78,000 लगभग गाँव से रिकवरी के लिए आदेश हुआ है, जिस पर 1 तारीख को रिपोर्ट सौंपी गई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं DM साहब से मिला और मैंने पूरी बात बोली उनसे, उन्होंने तुरंत तत्काल सस्पेंड कर और मुकदमा पंजीकृत करने के लिए आदेश किए। आज मुझे अवगत कराया गया है कि मियांगंज ब्लॉक में जो वीडियो पंचायत है उनके खिलाफ खंड विकास अधिकारी ने विभिन्न प्रकार के अनियमितताओं के कारण उनसे वसूली के संबंधित आख्या प्रेषित किया है। मैंने मुख्य विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी को तत्काल उस पत्र के क्रम में अग्रिम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, और यदि वो दोषी है तो तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।